हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की NTA UGC नेट GRF की। तो ना केवल NTA UGC नेट GRF को क्रैक करने के लिए साथियों, बल्कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं TGT PGT फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड UPGIC GDC KVS NVS DSSB UPSC SSC इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। हिस्ट्री विषय के चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साथ ही, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को जिसका नाम है हिस्ट्री एजुकेशन एंड सोशल। दूसरा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है साथियों, उसका नाम है हिस्ट्री UGC नेट / फिलर फॉरम करके। आपको टेलीग्राम चैनल पर सर्च बार में जाकर सर्च करोगे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। और उसके या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है साथियों, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नंबर दिया हुआ है, उसमें मैसेज कर सकते हैं या लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक भी वहाँ पर दिया हुआ है। और हमारा एक साथ एक पेड कोर्स है जिसका क्या मैंने मिनिमम चार्ज रखा है, नॉमिनल सा चार्ज है 500 रुपीज़ ओनली। 500 रुपीज़ में आप दे करके पे करके ज्वाइन हो सकते हैं। पे करने के लिए नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, पेटीएम UPI गूगल पे फ़ोनपे सब चलता है उस नंबर पर, उस नंबर से पे कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जब पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप पे जो नंबर दिया उस पर भेज दीजिए, हम आपको ज्वाइन करा देंगे हमारे पेड कोर्स में जो कि ओनली ऑन 500 रुपीज़ का है। उसमें हम आपको सब कुछ देंगे, फुल क्वेश्चन MCQ PYQ PDF नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा उसमें आपको। तो उसके लिए भी आप जो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये तो था हमारे चैनल के बारे में। अब हम चलते हैं हमारी क्लास में। तो हमने क्लास के अंदर साथियों हमारा नया चैप्टर चला है जिसकी थर्ड इसकी ये थर्ड वीडियो है, आद्य इतिहास का, प्रागैतिहास काल, आद्य इतिहास, पाषाण और आपका ताम्रपाषाण काल से संबंधित हमारा ये थर्ड लेक्चर है। इसी के अंदर हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम आज का आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि निम्नलिखित में कौन पुरापाषाण युग से संबंधित है। तो पुरापाषाण युग से कौन सा संबंधित है ये आपने बताना है। ऑप्शन अभी आपको दिखा रहे हैं हम। ये नेट 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए सर, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन थे, इनमें से आपने राइट ऑप्शन चूज करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा इसका। बताइए देखते हैं कितने लोगों को पता है। आंसर करने के लिए 30 सेकंड से भी कम का टाइम दिया जाएगा आपको। थोड़ा फास्ट क्विक रिस्पॉन्स दीजिए अपना, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग लगता हो राइट आंसर 1 2 3 4 उसका आपने कमेंट बॉक्स में मार्क करना, मार्क करके बताना है कि राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग ये है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि चौपर चौपिंग और जो हजार गंडा सा गंडा सी। ये देख लेना, इसकी डिटेल आप खुद पढ़ लेना, व्याख्या इसकी दी हुई है, ये आप खुद पढ़ लेना अपनी, ठीक है। चौपर चौपिंग का उपयोग सबसे पहले HL मूवीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस प्रागैतिहासिक संस्कृति से पत्थर पर उत्कीर्ण शिकार का दृश्य मिलता है, इसमें घेरण का। ये तो यार हो गए थे क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से, ये हो गए हैं यार ये क्वेश्चंस ना, ये भी हो गया था, तो क्वेश्चन हो चुके हैं। एक मिनट यार, ये भी हो गया था। हाँ ये बताना आपने कि बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या नवपाषाण युग। बुर्जहोम और गुफकरा दोनों ही आपके पता होना चाहिए आपके, ये जम्मू कश्मीर में है, गढ़तावास के जहाँ साक्ष्य मिलते हैं ना, गड्ढा घर गढ़तावास बोलते हैं जिनको, आप जहाँ पर मानव रहा करता था भीषण ठंड से बचने के लिए गड्ढे खोद कर, आजकल जिन्हें हम बेसमेंट बोल देते हैं ना, जमीन से नीचे की तरफ जो बनाते हैं, ऐसे प्राचीन मानव भी बनाता था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 नवपाषाण युग, UP हायर एजुकेशन एग्जाम एंशियंट हिस्ट्री 2018 का है क्वेश्चन है।
आ गया था कि किस क्षेत्र से उत्खनन से पता लगता है कि वहां का नौवहिनी का दही, तो आ गया यार, अभी बताया हमने आपको। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? एमडीएसयू रेट दो रीट 2022। ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, अरिकमेडु, पिकलीहल। दक्षिण भारत में है चारों ये। में से कौन सा स्थल जो है कि वो नवपाषाण कालीन नहीं है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम में कि ब्रह्मगिरी जो है अशोक के अभिलेखों में एक नगर का नाम आता है जिसका आधुनिक तारतम्य लगाया गया है ब्रह्मगिरी नामक स्थान से, ठीक है? तो वो बताया गया ब्रह्मगिरी, उसमें अशोक के अभिलेखों में कौन सा नाम दिया गया, कोई शहर का नाम क्या जिसको कि ब्रह्मगिरी से तात्पर्य लगाया गया है उसका, बताइए जरा, देखते कितने लोगों को पता है। कमेंट बॉक्स में, वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के, या फिर टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं सबके कमेंट देखता हूँ, सबके रिप्लाई करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि पिकलीहल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि होमो इरेक्टस प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस स्थल से प्राप्त हुआ? बताइए, भीमबेट का अथनोरा, बागोर, या बुर्ज होम। आरयूएम पेट 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, देखा जाए तो पढ़ा होगा सब लोगों ने। देखते हैं कौन, कितने लोग राइट आंसर दे पाते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, अथनोरा, दक्षिण भारत में है ये। होशंगाबाद एमपी में है, नर्मदा नदी के किनारे अथनोरा नामक गांव में अरुण सोनकिया ने, ये देख लेना है अच्छे से, 30 साल की महिला का अवशेष था। पांच लाख वर्ष पुरानी है यहाँ से प्राप्त हुई खोपड़ी, या दक्षिण एशिया के आदि मानव का प्रथम जीवाश्म है। कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? बताइए, भारत के अंदर मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है, कौन से स्थान से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ, या नर्मदा घाटी? सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बता सकते हो। बताइए साथ राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी। ही बताया ना आपको, जो डिटेल वही है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? नेट 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। दो हजार एक में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल कहाँ पाया गया था? नेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये 2019 का। अपना रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा बढ़ाओ भाई, थोड़ा जल्दी आंसर किया करो, लेट मत किया करो कुछ, तो वैसे भी नेटवर्क की वजह से थोड़ा लेट आता है, तो कुछ फटाफट क्वेश्चन का आंसर किया करो, जैसे क्वेश्चन आता है फटाफट राइट उसका आंसर कर दिया करो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर
फोर ओदय, ये कहीं कहीं आपको ओडाई है, यहाँ पे कहीं 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 मिलेगा आपको ओदय, ओ ओदय के ऊपर दो मात्रा, ओदय दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु के विल्लुपुरम, सन 2001 में पी राजेंद्र ने खोजा था तमिलनाडु के विल्लुपुरम में। ठीक है, इसी डिटेल अभी दिखाओ और दिखाता हूँ आपको। जिसकी डिटेल पढ़ लेना। एक लाख 66,000 वर्ष निर्धारित की गई है, अर्थात मध्य से उच्च प्लेस्टोसीन काल का है ये। कहते हैं निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाण काल औजारों के साथ स्वस्थानों मानव पाए गए हैं, स्वस्थानों मानव पाए गए हैं, शव स्थान के साथ में, नेट दोनों का क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए कहाँ से मिला है। शव स्थानों क्या हो गया यार, ये शव स्थानों मानव पाए गए हैं ये समझ नहीं आ रहा। शव हो गया तो शवाधान मिले हो, मिला हो शव यानी डेड बॉडीज के साथ में, तब मान सकते हैं इसको। किसी को पता तो बताना भाई शव स्थान का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, हथनोरा। हथनोरा का मानव सम जीवाश्म 2015 कहाँ, कौन सा, कौन सी प्रजाति का है वो, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस या उसमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन मैं देता हूँ, चौथा ऑप्शन क्या है आपका, ये आपका लिख देते हैं, हाँ नियंडरसल। नियंडरथल लिख दिया हमने, नियंडरथल, बताइए क्या होगा। ये फोर्थ की जगह हमने आपका ये ऑप्शन दे डाल दिया यहाँ पे, नियंडरथल मानो, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होमो इरेक्टस। आहार सभ्यता कहाँ पर है, बताइए, उदयपुर, चित्तौड़, मंदोर, मंदसौर या मंडोर के पास, किसके कौन से क्षेत्र के पास है, बताइए, पता होना चाहिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मीडियम एवरेज लेवल के क्वेश्चन है। उदयपुर के पास है, उदयपुर राजस्थान में, दक्षिण पूर्व राजस्थान, 2100 BC से 1500 BC का टाइम पीरियड है इसका, ताम्र संस्कृति के प्रसिद्ध केंद्र है आहाड़, आयड़े बेचड़ नदी किनारे उदयपुर जिला राजस्थान में है, बना संस्कृति भी कहा जाता है इसे, आहाड़ या बना संस्कृति। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण DSUPGT 2021 का क्वेश्चन है, कहाँ मिला था, अरावली, दक्कन, दो ऑप्शन और दिखाता हूँ आपको। भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण डैश पर था, कहाँ था, अरावली पहाड़ियों में, दक्कन में, या फिर दो ऑप्शन और दिखाता हूँ आपको। अच्छा, बिहार या बलूचिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बलूचिस्तान। ये व्याख्या देख लेना इसकी, मेरगढ़ के नव पाषाण। कपास सबसे प्राचीनतम वहीं से मिला, बलूचिस्तान से मिला कपास का प्राचीनतम साक्ष्य, कपास का भी और तांबे का भी। ठीक है, आगे तक बाला स्थल के पुरास्थल की खोज किसके द्वारा की गई, RUMPET 2021 का क्वेश्चन आया हुआ है। पुरास्थल बाला स्थल की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, VN मिश्रा या मिश्रे की बात है। बालाथल ये देख लेना डिटेल इसकी, 34 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी कि 4000 BC के टाइम पीरियड के लगभग है। पूर्व हड़प्पा काल सभ्यता है ये, राजस्थान के अनुसूचित संस्कृति समकालीन कहा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं कि महापाषाणिक सॉरी मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया, UPGIC 2021 का क्वेश्चन है। KN प्रसाद और P यादगिरी, एक तो ये ऑप्शन है, तीन उधर दिखाऊंगा आपको, एक ऑप्शन पर ध्यान दे लो चीज के ऊपर, KN प्रसाद और P यादगिरी, और तीन ऑप्शन में आपको और दिखा देता हूँ, DR शाह और AK शर्मा, थर्ड है शांतनु वैद्य और पंकज गोयल, फोर्थ आपका PK थामोद और PP जोगलेकर। बताइए कौन से किसने की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि PK थॉमस और PP जोगलेकर। ठीक है, ये डिटेल देख लेना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे, UPGIC 21 का क्वेश्चन आया हुआ। ये सिंपल क्वेश्चन सबको पता ही होगा इसका, तो बिल्कुल बहुत सी बार पूछा जा चुका सब, PGT PGT UGIC GDC KVS NVS और पता नहीं क्या क्या क्या, लगभग सभी एग्जाम से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो एंशियंट हिस्ट्री का पाषाण काल से संबंधित में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हैंड एक्स क्लेवर परंपरा। हैंड एक्स बोलते हैं हथौड़ा, तो क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी, एक प्रकार से हम कुल्हाड़ी बोलते हैं हैंड एक्स। कहते हैं भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले, नेट 13 क्वेश्चन है, सबको पता होगा पल्लवरम से मिले हैं यार। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है कौन सा स्थल है, जो झील के किनारे स्थित है प्रारंभिक कृषि स्थल है, जहाँ पर सबसे मानव ने पहले सबसे पहले जो है कृषि करना खेती बाड़ी करना शुरू किया।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू लहुरा दे, बहुत इंपॉर्टेंट है देख लेना। तिवारी वैन ने किसकी डेट उत्थान किया 2001-2002 में, संत कबीर नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश, स्थान 220 x 140 मीटर का टीला। अच्छा जी, 3 दिशा घिरा हुआ एक झील से घिरा हुआ है ये। यहाँ पर पन्ना पास निकाल से पाँच प्रारंभिक शताब्दियों तक 5 स्तरों का शांति विनर देखा जा सकता है। छठे से पांचवें सहस्त्र ईसा पूर्व के बीच शेयर की गई है, ध्यान रखना चीज का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है, 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व बोले तो 6000 BC, 6000 BC था, जैसे 6000 साल, वो और 2022 चल रहा है ना, अभी 2022 चल रहा है, तो कितना हो गया, लगभग 8000 हो गया ना, 8022 हो गया, तो लगभग 8000 तक पहुंच जाता है इसका, 8000 साल पहले तक का टाइम पीरियड पहुंच जाता है किसका किसका, ये बताना आपने, बताइए। नहीं, इसमें ऑप्शन दिए होंगे, हाँ ये थे ना। अब इनका बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ नोट डाउन कर लिया करो इन चीजों को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड, यानी कि कोल्ड लिवर टोकवा, इसकी डिटेल है, डिटेल देख लेना अपना अच्छे से। ये ध्यान नहीं है, ध्यान है, ये ध्यान गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं ध्यान है, ध्यान होता है ना, इस प्रकार लिखा जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक है, देख लेना, ठीक करना इसको। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से मिला है, पीजी हिस्ट्री 2000 का क्वेश्चन है, ये चेंज, हालांकि अभी चेंज हो गया है, प्राचीनतम उल्लेख जो है ना, नई रिसर्च में कुछ और आया है, पुराने रिसर्च अब वो चेंज हो गई है, ध्यान रखना चीज का बता रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कोल्डिवा। इसकी कार्बन डेटिंग का जो डेट है वो देख लेना, ये है। गंगा घाटी में उत्पादन धान उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है, इनका ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो ऐसी चीज़ों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बार बार आएंगे ये। और फिर एक ये नया क्वेश्चन आ गया है, ये लो, यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर हो रही गंगा घाटी की बात, और वो ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात थी, भारतीय मतलब भारतीय उपमहाद्वीप की बात थी, अब आ गया गंगा घाटी में, कहते हैं गंगा घाटी में चावल उत्पादन का प्राचीन प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, बताओ, सौगोरा, इमलीडी, लहुरा देव या झोंसी। गंगा घाटी सबको पता होगा, मगध क्षेत्र जो था ना, उसी के आसपास जहाँ से गंगा जाती है ऊपर से लेकर नीचे तक, जहाँ बंगाल खाड़ी मिलती है उसके पूरी बीच बीच में जहाँ जहाँ उसे बहती जाती है, उसे पूरी गंगा घाटी कहा गया, उसके आसपास के क्षेत्र को। गंगा दोआब क्षेत्र, गंगा सबसे संसार का सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है वो,
यूपी बिहार का क्षेत्र, इसलिए वहाँ पे गन्ने की खेती, धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिखाता हूँ, इसका लहुरादेव है राइट आंसर। वैसे ये है थर्ड ऑप्शन है लहुरादेव, ठीक है, ये इसकी डिटेल नहीं है। आगे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शाखे प्राप्त हुए हैं। हाँ ये बिल्कुल काटे काटे कर देखे जाते, तीन ऑप्शन आ गए यहाँ, कोलडिवा भी आ गया आपका, लहुरादेव भी आ गया और मेहरगढ़ भी आ गया, और टोकवा दे दिया इन्होंने। तो दो ये यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में आया होगा प्री 2004-2008 का, लोअर सूबेदार है, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए मेरे ख्याल से। लोअर सब इंस्पेक्टर क्या होता है, लोअर सूबेदार, पता नहीं कौन सा एग्जाम में आया हुआ है। टीजीटी में नहीं आएगा लोअर सब्जेक्ट, अपर तो पीजीटी हो गया, लोअर टीजीटी हो गया शायद, पता नहीं क्या दिया हुआ है, स्पष्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ना देखो, ये क्वेश्चन तीन ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपके, कौन कौन से, कोल्डिवा और रुक जाओ यार, कोल्डिवा, लहुरादेव और मेरगढ़। लहुरादेव मेन आएगा क्योंकि लहुरादेव नवीनतम जो रिसर्च आई है उसके अनुसार सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरादेव से मिले हैं, उससे पहले अभी तक जो माना जाता था वो माना जाता था आपका मेहरगढ़, ठीक है, लेकिन अब लहुरादेव हो गया है, नवीनतम खोजें आगे नवीनतम खोजों के आधार पर। तो ये ध्यान रखा करो, चीज़ें चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, फिर नई रिसर्च आती है, उस नई रिसर्च के अनुसार समय कालखंड बदल जाता चीज़ों का। मेरगढ़ माना जाता बलूचिस्तान माना जाता था पहले, सादरशाहपुर गेहूँ के साक्ष्य में जबकि चावल के साक्ष्य कोल्डी व इलाहाबाद में बेला नदी के तट पर 6500 ईसा पूर्व के चावल की प्राप्ति हुई है। कथा कि निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है, नेट 12 का क्वेश्चन है। खुंतिया, खुंतिया की बात है, मागड़ा, चिरांद, बानगढ़ या कहीं कहीं भानगढ़ भी मिलेगा आपको, और चौथा है खुंती। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महागढ़ा। गौशाला मिली यहाँ से, कैटल पेन, पशु बाड़ा, कहता है कि निम्नलिखित किस प्रागैतिहासिक स्थल से जंगली धान की खेती की जाने प्रकार के धान के प्रमाण मिले हैं, बताइए कहाँ से मिले हैं जंगली खेती की जाने धान के प्रमाण, बेलन, बागोर, आदमगढ़, बुरजहोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बेलन। बेलन और बोलन दो अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखना, जैसे बागोर और बाघोर दो अलग है ना, ऐसे बेलन और बोलन दो अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखना इन चीज़ों का। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृत से जुड़ा हुआ है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए कौन सा है। और होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथेलिसिस, नियंडरथेलिसिस और
ग्रिमाल्डी। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से जुड़ा हुआ मानव वो कौन सा, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथैलिसिस या ग्रिमाल्डी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस दोनों ही है इसमें भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक है, दोनों ऑप्शन गलत दे दिए उन्होंने, ये पढ़ लेना इसकी डिटेल। डिटेल इसकी इस क्वेश्चन कहता है कि मध्य पाषाण कालीन उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकों में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती थी? यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का यह क्वेश्चन है, बताइए। दबाव तकनीक, घात प्रतिघात तकनीक, फ्लूटिंग तकनीक या घर्षण तकनीक? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका फोर्थ, घर्षण तकनीक या घिसना, है ना, नई न्यू पाषाण काल में माना गया है। पूरा पाषाण कालिक स्थलों की तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 21। पहले कौन सा, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, फिर लास्ट में कौन सा आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो कुछ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू, यानी कि 2, 3, 4 फर्स्ट लास्ट में। सबसे पहले आएगा आपका ईशामपुर, सॉरी अथिरपक्कम, फिर ईशामपुर, फिर ज्वालापुर और अल्लाहदीनो, ये दीनानी अल्लाह दीनो आएगा ये, ठीक है, और थर्ड लास्ट में आपका ज्वालापुरम 9। जैसे डिटेल देख लेना टाइम पीरियड का, इसका 5 से 6 लाख पूर्व किसकी है, 7 लाख पूर्व किसकी है। निम्नलिखित स्थलों के संस्कृति अनुक्रम को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 2 4 1 3rd, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा आपका बीर भानपुर जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आ जाएगा घुफकराल जम्मू कश्मीर में, फर्स्ट अहाड़ राजस्थान में, और थर्ड लास्ट में आ जाएगा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से मैच हो जाएंगे आपके, वीर भानपुर पश्चिम बंगाल, आपका मध्य पाषाण काल स्थल है, गुफकराल कश्मीर नवपाषाण काल स्थल है, अहाड़ ताम्रपाषाण कालील है राजस्थान का, और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश महाजनपद कालीन कौशल की राजधानी। बिल्कुल सही कह रहा है, तो चारों देख लेना अच्छे से। तक निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनन से पूर्व काट दिया जाता था? अच्छा जी, यानी कि घुटनों से। यूपीएससी स्टैम्प पेपर 2021 का क्वेश्चन है, कौन सी संस्कृति में काटा जाता था बताइए। जोरवे नवपाषाण कैथा या फिर चित्र दूषण मृदभांड, कौन सी संस्कृति में मृतकों को दफनाने से पहले उनके पांवों को निचले हिस्सों को काट दिया जाता था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जोरवे संस्कृति में अस्थि कलश शवदान की प्रक्रिया अपनाई जाती थी यहाँ पे। कहा गया था कि निम्नलिखित स्थलों से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोरवी संस्कृतियाँ मिली है? यूपी पीजीटी 2021 से क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैमाबाद। ये पढ़ लेना, दैमाबाद के बारे में डिटेल दी हुई है। पहुंच करके स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे देखना चाहो तो ऐसे देख कर पहुंच करके अपना नोट कर लिया करो। अलग अलग कालखंड की डिटेल दी हुई है। आ गया था कि महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला पुराना स्थल कौन सा था? इम्पोर्टेंट है, पटनई, नामगांव, मोरगांव, नगरधन, बताइए राइट आंसर क्या होगा साथी उसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा एम एच सेट का है क्वेश्चन 2020 का, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनाम गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना अपना, इसके बारे में डिटेल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे साथ क्वेश्चन पूरे कम्प्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इसके आगे क्वेश्चन भी कराएंगे आपसे, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं हर बार तरह कमेंट्स का आपका आंसर करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी, और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इन्होंने नहीं किया है, और मैक्सिमम शेयर कर दिया करो ताकि औरों को भी भला हो सके, पता लग सके लोगों को,
फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेड कोर्स लेना जिन्होंने लेना है वो अपना ले लीजिए। 500 रुपीज़ का अमाउंट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 500 रुपीज़ अगर आप इजीली पे कर सकते हो, जो सीरियस स्टूडेंट उनको जरूर लेना चाहिए जो अपने सक्सेस को श्योर करना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।